ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए अब उन विंध्य महाकौशल और मालवा निवार की खबरों की सुर्खियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भानु चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों वरिष्ठ पत्रकार का बहुत स्वागत है डीएनएन न्यूज पर। तो भानु चौबे जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, मालवा निवार की हेडलाइंस आज क्या कह रही है? मैं पहले भास्कर की एक बड़ी खबर जो उसकी आज है, सबसे इसको फर्स्ट लीड हम लोग कहते हैं कि 9 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले थे। ये खबर इंदौर मालवा की नहीं है लेकिन सभी जगह असर है। इसका नतीजा जीरो है कि कंपनियों ने कहा कि जनवरी से पहले वो आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए कि मई से जनवरी में क्या होगा इस बीच में, इसलिए मुझे चिंता हुई इस खबर को सुनाने की। और टीकाकरण अब शुरू हुआ है, खरामा खरामा धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, पहुंचने लगे हैं, टीके भी मिलने लगे हैं और सीधे रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे देने से अब शायद ये संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा जो खास खबरें हैं वो है कि मध्य प्रदेश के 11 पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग 40 देशों में होगी। उसमें मालवा निमाड़ में मांडव, महेश्वर, हनुमंतिया, ये तवा, ये सब जगह हैं और भी हैं, उधर ग्वालियर, भिंड, जबलपुर की भी है जगह। इसमें डीआरडीओ की 2 DG दवा लेते ही ऑक्सीजन लेवल में काफी सुधार हुआ। ये इंदौर में एक इसका ट्रायल हुआ था। और निजी अस्पतालों की मनमानी पे रोक लगाने की बात अभी भी हाईकोर्ट कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है, लेकिन सारी बीमारी का दौर निकल गया, कोई रोक अभी तक ऐसी दिखाई नहीं दी। एक सनसनीखेज खबर यह है कि शाजापुर में अपर कलेक्टर ने, शायद एडीएम भी है वो, उन्होंने एक दुकानदार को तमाचा जड़ दिया और उस पर बड़ा हंगामा हो रहा है। और ये मारपीट IAS अफसरों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं कल कुछ वीडियो देख रहा था, छत्तीसगढ़ में भी एक कलेक्टर साहब ने चाटा मार दिया था जी। तो इसका ये घटनाएं बढ़ रही है। और बाजार खोलने के लिए व्यापारियों का बहुत दबाव है प्रशासन पर, अब तो संगठन राजनीतिक दल भी उसमें उनके समर्थन में सामने आने लगे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही बाजार अब खुलने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन टेबलेट सब उपलब्ध है, लेकिन बाजार और मरीजों का अनुभव कहता है कि अभी भी नहीं मिल रहे हैं। ये पहली सुलझाई जानी चाहिए कि कहाँ अटक रहा है मामला, क्योंकि दिक्कत तो सभी को हो रही है। और फंगस के मरीज तो मिल ही रहे हैं, मैंने कल परसों का ही जिक्र किया था कि रंग बदल के आ रही है महामारी। पहले ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट फंगस आया, आज कुछ येलो फंगस की भी एक खबर है कि किसी को हुआ और बड़ा चिंताजनक स्थिति है उसकी। ये खास खबरें हैं जी हमारे मालवा निमाड़ का, जो मेजर इंदौर और आसपास का। जी जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए